देश की सबसे अमीर पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाती हुई दिखाई देती है, ये तस्वीरें आप सबके सामने हैं। और हर जगह ऑपरेशन लोटस के जरिए अपनी सत्ता बनाना चाहती है, जिसका जीता जागता उदाहरण कुछ दिनों पहले तेलंगाना से देखने को मिला, जहां करोड़ों रुपए दे करके भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसका रंगे हाथ वीडियो बनाया गया। और अब यही भाजपा के नेता जो हैं, रंगे हाथ पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं, जिन्हें तेलंगाना पुलिस ने धर दबोचा है, वो भी मतदान के जरिए। किस तरीके से वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रहा था भाजपा का ये नेता, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। మనలో ఫోన్ చేయ, పోలింగ్ అంతా ఖరాబ్ అయితే సార్, వేరే వాళ్ళకు పోలీసులు అధికారులు మొత్తం చుట్టూ తెచ్చు సార్, ఎందుకు తీసుకోబోతుంది సార్? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के आधार पर सबसे पहले ये कानून के रखवालों को कुछ और ही समझ बैठा था, जिनके माथे पर शायद कुछ लिखा हो, इसे ये लग रहा था। पैसे बांटते हुए जब पुलिस वाले इसका बैग जब्त करने की कोशिश करते हैं, तो अपने साथी को बैग फेंक देता है और फिर वहां से उसका साथी भागता है, ये साथी के पीछे भागता है। और जब पुलिस वाले इसे पकड़ने के लिए भागते हैं, तो ये महिलाओं की आड़ में छुपने की कोशिश करता है। और वहां से भी जब बेरंग वापस भगा दिया जाता है, तो मीडिया को देख करके कैसी नेशनल ड्रामेबाजी जो है करता हुआ ये भाजपा का नेता नजर आया, इसे भी आपने देखा। और कैसे ये पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल। मुनिगोड़ी सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है। उपचुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस के अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों पार्टियों में माना जा रहा है। उपचुनाव में सभी दल जमकर रुपए खर्च कर रहे हैं। मतदान से एक दिन पहले कल बुधवार शाम को एक स्कूटी से 1.5 करोड़ रुपए पकड़े गए। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हैदराबाद शहर के सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने कल शाम तलाशी के दौरान एक एक्टिवा स्कूटी से जा रहे एक शख्स के पास से एक बैग में से 1.27 करोड़ रुपए जब्त किए। पूछताछ करना बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इससे पहले सोमवार को हैदराबाद पुलिस 89 लाख रुपए जब्त करती है। उपचुनाव में मतदान से पहले तलाशी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पिछले हफ्ते हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को 70 लाख रुपए जब्त किए थे। उसके बाद दो दिन पहले गुरुवार को पुलिस ने 63 लाख रुपए जब्त किए थे। पिछले हफ्ते ही हैदराबाद पुलिस ने 1,11,00,000 रुपए की एक और खेप जब्त की थी और साथ में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। उपचुनाव में इस बार अब तक करोड़ों रुपए पुलिस की ओर से जब्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस के विधायक राज गोपाल रेड्डी के बीजेपी में जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब रेड्डी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से श्रीमती रेड्डी चुनाव लड़ रही हैं, जबकि आरएसएस की तरफ से मैदान में है। इसके सिवा बीएसपी भी यहां चुनाव लड़ रही है। मतदान से पहले चुनावी सफलता के लिए एक दिन पहले तक तीनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले कर रहे थे। हालांकि मंगलवार शाम से प्रचार प्रसार थम जाने के बाद अभी थोड़ी शांति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान जमकर रुपए और शराब आदि बांटे गए। पिछले कई दिनों से कई जगहों से पुलिस के तलाशी अभियान के दौरान भाजपा के पास से लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। कई इलाकों में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के चुनाव प्रचार के दौरान जमकर झड़प हुई है, जिसमें कई घायल भी हुए। बुधवार शाम को राज्य के मंत्री ने बुरी तरह घायल अस्पताल में भर्ती टीआरएस के कार्यकर्ताओं की हालचाल पूछने गए हुए थे। चुनाव आयोग के अनुसार 6,80,00,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 4,560 लीटर शराब जब्त की गई है। सभी बाहरी लोगों को चिन्हित करके उनके वोटर कार्ड जांच करने के बाद उनकी वाहनों को जब्त करके उन्हें मुनिगोड़े चुनावी क्षेत्र से बाहर भेज दिया जा रहा है। ये सभी लोग अलग अलग पार्टी से प्रचार के लिए आकर यही मकान किराए पर लेकर रह रहे थे। चुनावी क्षेत्र में कई संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि कहीं कोई तनाव न फैले। कुल 298 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 105 पोलिंग स्टेशन को संवेदनशील घोषित किया गया है। पुलिस द्वारा सभी संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिन्हें कंट्रोल रूम से नजर बनाकर रखा जा सकता है। इस चुनावी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को नजर में रखते हुए सीएपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आरएएफ के बलों को तैनात किया गया है। आज यहां पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगी, जबकि 6 तारीख को मतगणना होनी है। क्षेत्र में कुल मतदान 2,41,00,000 है, तो वहीं 1 करोड़ के आसपास पुरुष हैं और 1,00,000 के आसपास जो हैं महिलाएं हैं। तेलंगाना में मुनगोड़े विधानसभा उपचुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राम गोपाल रेड्डी से कहा कि वे अपने परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के खाते से निर्वाचन क्षेत्र में 23 लोगों और संस्थाओं को 5 करोड़ रुपए से अधिक के हस्तांतरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। रेड्डी को लिखे गए एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा था कि विचारधीन 5,24,00,000 रुपए का आयोजन मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ना किया जाए। रेड्डी को 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक रकम के लेने देने के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। रेड्डी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने लेन देन को लेकर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। इसने आरोप लगाया था कि राशि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी और यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। जिस तरीके से भाजपा के नेता खुलेआम पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। तेलंगाना से आ रहे हर एक वीडियो का आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।